श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तर विभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलितबलधामं शरणशैलाभदेहम् धनजवन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वात्जातं नमामि रघुपति वरदोत्तम वात्जातं नमामि श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राज रामचंद्र भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय वज्रवाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री सत्य सनातन धर्म की जय रामचरित मानस भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक बार आज पुनः इस नव दिवसीय प्रश्नोत्तर अनुष्ठान के तृतीय दिवस हम आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। श्रेष्ठ जनों को प्रणाम, पितर जनों को स्नेह साधुवाद। आइए आज की जो प्रश्न श्रृंखला प्रेमियों के द्वारा हमें प्राप्त है उस पर विचार करते हैं। महाराज श्री, आज का प्रथम प्रश्न गुरुग्राम से जयप्रकाश जी मित्तल का है। पूज्य श्री, श्रीधाम अयोध्या में आपके द्वारा संकल्पित निर्माणाधीन श्री रामर्चा मंदिर का मूल उद्देश्य क्या है? आदरणीय जयप्रकाश जी, मैं तो श्री राम कथाकार हूं, मैं निर्वाण का व्यक्ति हूं, निर्माण का व्यक्ति नहीं हूं। निरंतर 12 वर्ष पर्यंत श्री अयोध्या धाम में श्री राम कथा गाते हुए अपने द्वादश वर्षीय स्कंद पुराणी रचना में एक जो तपयुग पूर्ण किया हम लोगों ने, उस 12 वर्ष की पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में श्री अयोध्या जी के अपने पावन आश्रम श्री राम वल्लभा कुंज में कथा रचना की व्यवस्था देखते समय हमारे पूर्ववर्ती सद्गुरुओं के संकल्प से जो श्री रामार्चन मंदिरम की संकल्पना वहां पर दिखी, उस पर पूज्य महाराज श्री हमारे पूज्य अधिकारी जी बाप जी प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री राजकुमार दास जी महाराज से जब संध्या वेला में हमने मंत्रणा किया तो उन्होंने मार्गदर्शन किया कि भैया ये अपने सद्गुरुओं का संकल्प था कि भगवान के जो 21 अंतस्थ सुहृद
श्रेष्ठ और परिकर जन हैं, इन सबको समाहित करके एक दिव्य श्री रामार्चन मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। उसमें 7500-150 खंभे भी बन गए थे, तो मैंने कहा कि सरकार फिर ये बना क्यों नहीं, असुविधा सुविधा आदि आदि जो व्यवहार रहा उन्होंने सब चर्चा किया। अनुमति के मैंने कि सरकार फिर इसको सद्गुरुओं का संकल्प है तो पूर्ण करना चाहिए, महाराज जी ने सहर्ष अनुमति दी कि भैया हम तो संत सेवा गौ सेवा विद्यार्थी सेवा करे करे ही आनंद लेते रहते हैं, अब निर्माण की स्थिति कैसे प्रकट की जाए, प्रभु कृपा होगी, आपका आशीर्वाद रहा, गुरुदेव की कृपा हुई तो यह संकल्प पूर्ण होगा। वस्तुतः मैं राजा राम का उपासक हूं, सहज भाव का उपासक नहीं हूं जी प्रकाश जी। मेरा महाभारत का वो श्लोक सिद्धांत है जीवन का, यद जीवते क्षण प्रथितम मनुष्य विज्ञान शौर्य विभव आदि गुण समेत तन्नाम जीवित ही प्रवर्तन्ति संत। श्रेष्ठ पुरुष क्षण मात्र भी जीता है तो विज्ञान शौर्य वैभव से संपन्न परिपूरित होकर जीता है, उनका ही जीना जीना है ऐसा संत लोग कहते हैं। नहीं तो काको जीवत चिराग बलिंच भुनते, घर घर के अपने ग्रास को पाकर तो कौवा भी 100 साल तक जीवित रहता है, लेकिन कौन उसका स्मरण करता है। इतदर्थ मैं राजा राम का उपासक हूं, वनवासी राम का उपासक नहीं हूं, सरकार के बाल रूप का भी उपासक नहीं हूं, मैं ऐश्वर्यशाली नमामि रामम रघुवंशनाथम इस भाव का मैं उपासक हूं। आप महसूस करते होंगे, रियलाइज करते होंगे, ये मेरी अनुभूतियां हैं। पूज्य महाराज से जब चर्चा हुई तो यह श्री रामार्चन मंदिरम का संकल्प इस निमित्त आया क्योंकि हमारे आश्रम पर प्रथम गुरुदेव भगवान जिन्होंने इसका निर्माण किया है, द्वितीय गुरुदेव भगवान, तृतीय वर्तमान में प्रातस्मरणीय गुरुदेव भगवान, सबके द्वारा श्री रामार्चन पूजन की परंपरा का पूरे देश में, देश के बाहर विदेश में भी प्रचार प्रसार किया जाता रहा है, किया जा रहा है। श्री रामार्चन पूजन भगवान का ऐसा पूजन है जिसमें उनके सभी सुहृद श्रेष्ठ माता पिता सदगुरु परिकर सबका स्थान निश्चित होता है और वो एक साथ सबके दर्शन प्राप्त होते हैं, सबकी सेवा हो जाती है। कलिकाल में कठिन से कठिन कार्य संपन्न करना हो तो आप एक रामार्चन संकल्प ले लीजिए, वो पूर्ण होता है। तो विचार हुआ कि क्यों ना यह एक अनुष्ठान है, इसको पूर्ण किया जाए। तो लोगों में प्रभु के समस्त परिकरों परमात्मा की कृपा प्राप्ति, कठिन से कठिन काम को संकल्प के द्वारा ही पूर्ण होने की ऐसी जब धारणा मन में उपस्थित हुई तो समाज के मंगल हेतु, लोक मंगल हेतु, अपने निज मंगल हेतु और पूरी दुनिया को भगवान का यह एक अलौकिक मंदिर प्राप्त होगा, इस विचार से पूरे देश के अपने सभी स्नेहियों का, राम कथा प्रेमियों का, सुहृद जनों का, विज्ञ जनों का, साधु जनों का हम लोगों ने आह्वान किया और वो आज की तिथि में 75% कार्य श्री रामार्चन मंदिरम का पूर्ण हो गया है। उसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य है कि भगवान मेरे श्री राम वल्लभ ठाकुर सरकार अपने प्रधान पीठ पे उपस्थित हों, उनके सभी परिकर सपरिकर उपस्थित हों, सभी परिकर वहाँ विराजमान हों, एक स्थान पर सभी भागवत भक्त जनों को उनके दिव्य भाव का दर्शन हो,
और इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। आपको ज्ञात हो मंदिरम में जो प्रथम खंड है 150 गुणे 100 का यानी 15,000 वर्ग फीट का केवल प्रवचन हाल है। ऊपर सरकार विराजमान होंगे वहां 10,000 वर्ग फीट का एक यज्ञमोहन है जिसको यज्ञ मंडपम कहते हैं, जहां मेरे श्री ठाकुर जी विराजमान होंगे और उसके ऊपर जिसके गुंबद हैं। अगल बगल भी टेलीविजन की व्यवस्था रहेगी। आगे पर्याप्त स्थान है जहां लोग बैठ करके और भगवान के पावन नाम का स्मरण करेंगे, जप करेंगे। बाहर उसकी रचना अन्य प्रकार से है। लोक संग्रह, लोक मंगल, लोक कल्याण और भागवत जनों में भगवान के प्रति सहज ही भाव उपस्थित हो, इसी संकल्पना के साथ यह प्रकल्प प्रारंभ हुआ। गुरु कृपा, प्रभु कृपा रही तो आने वाले श्री सीताराम विवाह के अवसर पर यह पूर्ण होगा। आगे हर इच्छा भावी बलवाना, उसमें कौन बुद्धि लगाएगा, इतना हेतु है। जय सिया महाराज श्री। अगला प्रश्न हमारे पास है बालाजी धाम दौसा से, श्री शिव प्रताप जी चौहान। पूज्य श्री, आपकी दृष्टि में धर्म में कट्टरता का स्थान कहाँ होना चाहिए? कहीं नहीं, धर्म में कट्टरता है ही नहीं। धर्म में कट्टरता नहीं है। जिस प्रकार किसी विराट व्यक्तित्व में आवेश को स्थान नहीं है, बहुत बड़े भंडारे में कमी को स्थान नहीं है। जैसे आप कर धाम का भंडारा देख लीजिए, चलता ही रहता है नौ दिन, कढ़ाई चढ़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ कम पड़ता है क्या? विराटता में जिस प्रकार न्यूनता का स्थान नहीं है, उसी प्रकार धर्म, धर्म आजकल क्या है चौहान जी, धर्म को लोगों ने बहुत छोटा परिभाषित कर लिया है, संप्रदाय को धर्म बना लिया है। जहां जहां संप्रदाय को धर्म बनाया गया वहां इसी प्रकार की उत्पात, उत्पाती शब्द, उत्पाती व्यवहार, उत्पाती संरचना दिखाई पड़ती है। धर्म तो मानस में कितनी अद्भुत परिभाषा धर्म की आई है, आप देखिए। प्रभु कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं। भाई धर्म न दूसरा सत्य समाना, सत्य में कट्टरता कहां है, परहित में कट्टरता कहां है? परम धर्म शुद्ध विदित अहिंसा, इसमें कट्टरता कहां है? अहिंसा मने मनसा वाचा कर्मण, अहिंसा में रहिए। परहित आपकी जितनी क्षमता उतना करिए। उसी प्रकार सत्य का पालन आप करते हैं, आप कहें वो तो बड़े कट्टर हैं, अरे नहीं वो सत्य का पालन करते हैं, जो असत्य में जीता है उसको सत्य कट्टरता जान पड़ता है। है क्या कथाएं हो रही हैं, यज्ञ आदि कर्म हो रहे हैं, नाना विधि व्यवहार चल रहे हैं, कोई भी धर्म का विचार नहीं कर रहा है। जब धर्म का विचार ही त्याग दोगे आप, धर्म की चर्चा ही नहीं करोगे, धर्म में मति की गति कैसे होगी? धर्म में कट्टरता नहीं है, और जहां कट्टरता है वहां धर्म नहीं है। मेरे राम जी में कहीं कट्टरता है क्या? भगवान श्री कृष्ण में कट्टरता है? नहीं है। जहां कट्टरता है वहां धर्म नहीं है। ऐसा होना चाहिए, सनातन संस्कृति सनातन धर्म कभी नहीं कहता है, कैसा होना चाहिए इसका उसने सिद्धांत बनाया है, वैसा हो ये धर्म है। धर्म मने वह व्यवहार वह आचरण जो आप अपने जीवन में धारण करें, लेकिन शर्त है उससे किसी को कलेश न हो, तब धर्म है। ये उन्होंने सनातन धर्म पर कितना कितना उत्पात किया, मलेच्छों ने किया, कहां है आज? क्या आप कल्पना करते हैं, कल भी चर्चा किए थे कि यहां भारतवर्ष में कोई व्यक्ति चुनाव हार जाए तब भी वो कहे कि मैं राष्ट्रपति हूं, कभी हुआ है?
जो हार जाता है वो कहता है मेरे पास गुणक संख्या नहीं है, योग्य संख्या नहीं है, उचित संख्या नहीं है, अस्तु मैं अपने पद से त्याग पत्र देता हूं, जिसके पास संख्या बल है सरकार में उपस्थित हो। प्रजा ने अस्वीकार किया, ये धर्म है। और जिसके जीवन में धर्म है वो शाश्वत है। इसलिए श्रीमान चौहान साहब हृदय में इसको अवतरित कराइए, धर्म में कट्टरता नहीं है, जहां कट्टरता है वो धर्म नहीं। सिद्धांत आगे महाराज श्री, अगला प्रश्न हमारे पास है लखनऊ उत्तर प्रदेश से श्री रामकुमार तिवारी जी। पूज्य श्री, आजकल अपनी परंपराओं को तिरोहित कर दूसरों की अपनाने की होड़ समाज को कहाँ ले जाएगी, जबकि पूज्य श्री द्वारा सदैव समाज को संदेश दिया जाता है कि परंपराओं का सदैव पालन होना चाहिए। जिस व्यक्ति में राम कुमार जी मूल के प्रति निष्ठा नहीं है, ऐसा ही मिला जुला प्रश्न कल भी उपस्थित हुआ था, जो मूल में भूल कर रहा है वो अपनी परंपराओं का त्याग कर रहा है। पुनः एक बार कहता हूं कि मूल में भूल ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं चढ़ती है। परिवार का, समाज का, नगर का, गांव का जब श्रेष्ठ परंपराओं का पालन नहीं करेगा, इतर नहीं करेगा। परंपराओं का पालन हमको भी करना है, आपको भी करना है। परंपराएं माने जो शाश्वत व्यवहार है। भोले बाबा के विवाह में, श्री रामचरितमानस जी में जब भगवान श्री सीताराम जी का विवाह हुआ, पूज्यपाद गोस्वामी जी आचार विचार कुछ भी त्याग नहीं करते, सबका यथेष्ट निरूपण करते हैं और क्या क्या कैसे हुआ। परंतु वही गोस्वामी जी भूत भावन भगवान शिव के विवाह उत्सव पर क्या कहते हैं, जैसे विवाह के विधि श्रुति गाही महा मुनिन सो सब करवाई। अब क्या क्या करवाई, मतपर्क करवाई, पूजन कराया, देव पूजन हुआ, इनका शाखोचार हुआ, फिर कन्यादान हुआ, सिंदूर दान हुआ, महामुनिन सो सब करवाई। ये क्या है, हमारी परंपराएं। परंपराओं के ऊपर जब हम जाएंगे, हमारे से राघव जी परंपरा का दर्शन नहीं करेंगे तो पालन नहीं करेंगे। हम अपने पूज्य पिताजी से दर्शन नहीं करेंगे तो हम पालन नहीं कर रहे। हमने देखा है तो हम कर रहे हैं। जो परंपरा सनातन की सहजावस्था में जीव व्यवहार में उतार लेगा उसका पालन होगा। आजकल तो भागम भाग मची है, विकास का बहाना है, परंपराओं का परित्याग है। श्री रामचरितमानस जी अपनी श्री गाथा श्रीमद् भागवतम अथवा जितने भी पुराण हैं सभी परंपराओं के समर्थक हैं। जो परंपराओं का पालन करेगा वो मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन सबसे परिपुष्ट होकर सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा। जो परंपराओं का त्याग करेगा, परंपराओं से दूर जाएगा, दुखी रहेगा, रोएगा। और तो छोड़िए ना, आप भागवत के वक्ता हैं, भागवत की भी परंपरा है और श्री रामचरितमानस जी की कथा गाथा की भी परंपरा है। सुनिए पंक्ति किसने लिखा, मानत शंभु कीन्ही यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमही सुनावा। परंपरा एक, सुई शिव काग भुषुंडी दीना, कब अतो राम भगत अधिकारी चीना।
तीसरा पीठ, ते ही सन जाग बलिक पुनि पावा तीन पुनि भर द्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बकता साम सीला समदर सी जान नहीं हरि लीला। ये परंपरा है, पुनि मैं निज गुरु सन सुनी कथा सुसु करके समझ नहीं थसी बालपन तब यति रहे मोचेत। कदपि कही गुरु बार ही बारा समझ पर ही कछु मते अनुसारा भाषा बद्ध करंग में सोई मोरे मन प्रबोध जे। ये क्या है? अब तो रामकथा की परंपरा है, जीवन की परंपरा, संस्कृत की परंपरा, व्यवहार की परंपरा, विहार की परंपरा, पूजन की परंपरा, स्मरण की परंपरा, अरे लेने देने की परंपरा। कलयुग का मानो बड़ा विकट है, सात्विक परंपराओं का स्मरण नहीं करता है। हमारे पिताजी तो ऐसा करते थे, वो दीपावली को जुआ खेलते थे, हम भी खेलेंगे। लेकिन कौन सी परंपरा है? आसुरी परंपरा। आपके पिताजी पूजन भी तो करते थे, उनकी माला रखी होगी झोली में, उसका दसमाला जप करो। आपके पूज्य पिताजी एकादशी बैठा दिए थे, आप उठा लो, कहीं व्रत भी बैठाया उठाया जाता है। सात्विक परंपरा। आपके पिताजी गौ माता की सेवा करते थे, आप गौशाले में परिवार से गौशाले में माता जी को गिफ्ट कर दो, जाके सेवा करते रहो, क्या दूध मिलेगा तभी सेवा करते। परंपरा हो जो हमारे चित्त को पुष्ट करे, संस्कार को श्रेष्ठतम बनाए और हमारी रुचि परमात्मा की ओर बढ़ाए। उन सात्विक श्रेष्ठतम परंपराओं का जो पालन करता है वो सर्वकाल सुखी रहता है। अयोध्या कांड में अयोध्या नाथ ने परंपराओं का निर्वाह करने के लिए ही राम जी को अभिषेक संकल्पित किया था। पिताजी के संकल्पना को भगवान माँ के वचनानुसार बाहर उतार दिए, ले गए वन में ले गए, लेकिन भरत भैया ने उसी परंपरा का पालन किया कि ज्येष्ठ भाई राजा बनता है, इतर भाई उसके सेवक। ये अयोध्या की परंपरा, तीन परंपरा है, कर्तव्य अधिकार और जीवन की। एक उत्तराधिकार परंपरा, कौन सी? अतो पितृ परंपरा। दूसरा राज परंपरा, राजा जिसको बना दे वो हमारी सभी परंपरा को निर्वाह करेगा। तीसरा शिष्य परंपरा, सदगुरु जिसको शिष्य घोषित कर दे सर्वमान्य, वो परंपरा का निर्वाह करेगा। उसको सब कुछ करना होगा जो सदगुरु ने संकल्पित किया है, पुत्र को वो करना जो पिता ने संकल्पित किया है, और राजा को वह करना चाहिए जो उनके ऊपर के राजा ने संकल्पित किया है। इसी प्रकार तो माँ गंगा, महाराज दिलीप, महाराजा समंजस, महाराज अंशुमान, महाराज भगीरथ, ये परंपरा है हमारी इक्ष्वाकु कुल की, कि गंगा जी का अवतरण करना है, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा सागर पहुंचाना है। गंगा माँ को तो परंपरा का निर्वाह किया, सभी राजाओं ने कठोर तप किया। राजा तप क्यों करेगा? राजा तप करता है कि वो संसार के सुख में मगन रहता है, लेकिन नहीं, इक्ष्वाकु कुल की एक वंश परंपरा है कि जो राजा बनेगा वो तपस्वी होगा, जो तपस्वी होगा वो राजा हो ही जाएगा। जो परंपरा में जीते हैं वो भगवान की करुणा में जीते हैं, उनके जीवन आनंद से परिपूरित हो जाता है। इति जैसे महाराज श्री, अगला प्रश्न हमारे पास नोएडा से है अभिषेक त्रिवेदी जी का। ये पत्रकार हैं, लिखते हैं, वर्तमान समय में पूज्य श्री लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप किस हद तक संतुष्ट हैं? अब संतुष्ट हैं भैया अभिषेक जी, संतुष्ट हैं, असंतुष्ट रह के ही हम क्या कर लेंगे? किसी के बारे में टीका टिप्पणी करना मेरा स्वभाव नहीं है। प्रिंट मीडिया भी ठीक ही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो महा ठीक है, एक कहीं छेद दिखाई पड़े तो उसका भगाड़ बना देता है, होता कुछ नहीं। इनको भी अपनी टीआरपी बढ़ानी है और उनको अपनी प्रसार संख्या बढ़ानी है, इससे मतलब नहीं कि इस उत्पाद का क्या अर्थ होगा। ट्रैक्टर में आते हुए 60 लोग ट्रक से भिड़े, 60 मरे,
इन प्रिंट मीडिया वालों से पूछा जाए कि इस समाचार को लिखकर समाज का क्या कल्याण हो रहा है। आज के समय में अभिषेक जी, सत्कर्म की चर्चा कम होती है प्रिंट मीडिया में चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, दुष्कर्मों की अबाध चर्चा है। छोटी सी बात, ये ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया है। श्रदेय नारायण साईं जी जमानत पर अहमदाबाद आश्रम आ गए हैं, पूरी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मर गई, कोई सूचना नहीं आई। आश्रम के द्वारा मुझे एक संदेश मिला कि नारायण साईं की जमानत महाराष्ट्री हो गई, किसी को पता चला? लेकिन जब उनकी छिछावेदर करनी हुई पूरी दुनिया जान गई क्या अच्छा है क्या बुरा है। आज का प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक में केवल निंदित व्यवहार को दर्शन कराता है, सात्विक समाचार तो न देना चाहता है। अर्थात मेरे क्यों गायब हो गए, सात्विक समाचार उपस्थित नहीं होता है। हम घर में रहते हैं तो कभी अखबार का पहला पृष्ठ देख लेते हैं और अंतिम पृष्ठ देख लेते हैं, कभी कभी संपादकीय देख लेते हैं, क्या अर्थ है? और पृष्ठ आप दर्शन करिएगा, पढ़ नहीं सकते आप, ऐसा क्यों है? यही है, समाचार तो टेलीविजन पर देखे हमको 5-6 महीने हो गए, क्या देखें? चुनाव भी मोबाइल पर बच्चे बता देते हैं, बाबा जी हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे सात्विकता का मानो प्रसार समाप्त हो गया है, कहते हैं कलयुग आ गया है। अरे भाई जो जियोगे वही ना युग आएगा। आप हमसे इस प्रश्न पर कुछ कहवाइए नहीं, हमारा कहना यह है भ्रष्टाचार न हटाइए, सदाचार बढ़ाइए। जब सदाचार बढ़ेगा लोगों में संस्कार उपस्थित होगा, भागदौड़ समाप्त होगी, हाय हाय की जगह जब हरी हरी होगा तो धीरे 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 सात्विक भाव का प्रसार पूरी दुनिया में होगा और परिणाम क्या होगा, सब लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगेंगे, एक दूसरे में ममता देने लगेंगे, एक दूसरे के प्रति लाड रखने लगेंगे। श्रेष्ठ इतर का सम्मान नहीं, श्रेष्ठ इतर को स्नेह करेगा और इतर श्रेष्ठ का आदर करेगा। इस भाव का प्रचार प्रसार सर्वत्र उपस्थित होना चाहिए। हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, राम कथा करते हुए समाज में सुहृदता का, शांति का, स्नेह का, ममत्व का, धर्म का संदेश व्याप्त हो, हम निंदा न करें। उसी प्रकार ये दोनों जो तंत्र हैं, जो चौथा स्तंभ है, समाज के दर्पण है, सात्विक समाचार, अकारण समाचार न बनाया जाए। ये नेगेटिव संदेश दिया जाए, लोग पढ़ें क्या हुआ क्यों हुआ, कोई अर्थ नहीं, सब लाभ नहीं होता है, इससे हानि होती है। समाज में जितने लोग पढ़ेंगे उनकी मानसिकता विकृत होती है, जितने लोग देखते हैं समाचार उनकी मानसिकता विकृत होती है, क्या कहें? भगवान सबका मंगल करें, यही प्रार्थना है। हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करें और दोनों मीडिया तंत्र अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। जय सियाराम अभिषेक जी। महाराज श्री, अगला प्रश्न हमारे पास आया है बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से, श्री शंभुनाथ चतुर्वेदी जी। पूज्य श्री, सरकार द्वारा वैदिक शिक्षा को वर्तमान शिक्षा प्रणाली में न सम्मिलित करने के कारण और इसके कुप्रभाव पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये वैदिक शिक्षा प्रणाली तो संभवतः जो अभी जुलाई से लागू हो रही है उसमें सरकार ने लिया है। चतुर्वेदी जी, आपको जानना चाहिए कि सरकार ने अभी नए सत्र में जो शिक्षा का व्यवहार बनाया है उसमें वैदिक शिक्षा प्रणाली को स्थान दिया है। बच्चों को थोड़ा ग्रंथ के पुस्तकों का बोझ कम करने की भी योजना बनाई है। ये तो कहना कठिन है कि वैदिक व्यवहार को, शिक्षा पद्धति को यदि सरकार नहीं ले रही है तो पूर्ववर्ती सरकारें भले न ली हों, लेकिन किसी भी कार्य को
मूर्त रूप देने में बहुत समय लगता है। भारत एक 130-133 करोड़ आबादी का देश है, कोई भी योजना बना करके और उसको कार्यान्वित किया जाए तो उसमें बहुत समय लगता है। उसके लोग बिठाने पड़ते हैं, रचना बनानी पड़ती है, शिक्षा का स्वरूप बदला है। आदमी कहाँ तो आदान प्रदान करता था, चिट्ठी लिखता था, अब आदमी हाथ ही से सब संदेश भेज देता है। तो थोड़ा जितना सहज आप समझते हैं उतना सहज नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पर कार्य कर रहा है। परम श्रद्धे हरिण मुरली मनोहर जोशी जी वैदिक शिक्षा प्रणाली को अपने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रिज्यूम में बहुत कोशिश की कि लागू हो जाए, वो तो अवसर नहीं मिल पाया उनको, नहीं तो ये तभी लागू हो गया होता। परंतु वर्तमान सरकार भी हमारी कुछ प्रबुद्ध लोगों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि सरकार धीरे धीरे बच्चों को उनके मस्तिष्क के अनुकूल वैदिक शिक्षा प्रणाली, जिससे पढ़ाई व्यवस्थित और सहज हो जाएगी, ये लागू करने की योजना बनाई है। और आप भी ये शुभकामना रखिए, क्योंकि जब तक कुछ प्रत्यक्ष नहीं आ जाए और जिसके बारे में हमको आपको बहुत जानकारी ना हो, उस पर टिका टिप्पणी करना मर्यादा नहीं है, हर बात पर बोलना ये उचित भी नहीं है। तो ये अवश्य है कि यदि ऐसा हो रहा है तो भगवान की कृपा है, आने वाले समय में आप प्रतीक्षा करें। यदि ऐसी कोई बात आती है तो हम अगले सत्र में आपसे संवाद रखेंगे अपने अधिकारी मित्रों से बात करके। ये मेरा संदेश शेयर। महाराज श्री, अगला प्रश्न है सरिता विनय चौबे जी का, मुंबई से। पूज्य श्री, गृहस्थी में पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भगवत कृपा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सरिता जी, भगवान परिवार में रहते थे, भगवान श्री कृष्ण परिवार में रहते थे, सप्तऋषि लोग परिवार में रहते थे। इन सब का विवेक पूर्वक विचार करते हुए एक सदगृहस्थ को अपनी गृहस्थी सर्वप्रथम संभाल कर भगवत भजन पूर्वक पंचदेव उपासना, पंच महायज्ञ का सेवन, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, पूज्य देवो भव, मातृ पितृ देवो भव, इन भाव में उपस्थित होकर पितृण देवऋण ऋषिऋण का स्वविवेक के अनुसार क्षमता देखते हुए उस पर जो अग्रसर होता है वो अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूर्ण करता हुआ बड़े प्रेम से भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसको बड़े विवेक से श्रवण करें। देखिए, लोग ये समझते हैं कि भगवान की कृपा मिल जाए तो हमारे पास खूब पैसा हो जाएगा। ये सही नहीं है। भगवान की कृपा हो जाए तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे। ना पैसे की कोई सीमा है, न सुख की कोई लिमिट है। सुखी कौन है? गुरुदेव भगवान नानक जी तो कहते हैं, नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जो नाम आधारा, अथवा तो राम आधारा। जो राम जी के भरोसे है, भगवान के नाम के भरोसे है, वही सुखिया है। केवट जी तो घर में कहते, पात भर सहरी सकल सूत बारे बारे, केवट की जात कच वेदना पढ़ाई हूं, सब परिवार मेरो यही लागी राजा, जो हो दीन बीते इन कैसे दूसरी गड़े हूं। कुछ नहीं है, भगवान को गंगा पार उतारे, भगवान कहे वो कृपा ले उतराई, तो केवट चरण गए बुलाई। आप इसका विचार करें, संसार की सामग्री प्रचुर मात्रा में हो तो हम सुखी हों ये अच्छी बात नहीं, और मेरे पर भगवान की कृपा हो गई हो ये भी अच्छी बात नहीं। तो कृपा कैसे हो गई?
अपने जीवन से हम कितना संतुष्ट हैं, अपने प्रभु के प्रति हमारा प्रेम कितना बढ़ रहा है, हमारे जीवन परिवार में कितना भगवान के प्रति भाव वर्धन हो रहा है। आप यदि आप विवाहित हैं तो आपके पतिदेव, आपके बच्चे, माता पिता सब लोग मिलकर एक साथ संध्या विराम में भगवान की आरती करें। प्रातः काल तो सब व्यस्त रहते हैं, ढोल मजीरा बजा के भगवान का संकीर्तन करें, एक घंटा आनंद लें। यदि घर का ऐसा वातावरण बन रहा है तो आप ये मान लो कि भगवान की आप पर महती कृपा है। कृपा बाजार में बिकती नहीं है, आलू टमाटर सलजम नहीं है, कृपा कृपा रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन अनुभूति है। यदि आप इसको अनुभूति लेती हैं, अनुभूत में लेती हैं, अनुभव करती हैं, तो आप समझिए आप पर भगवान की कृपा है। कृपा केवल अनुभूति की जा सकती है, वो लिखित में नहीं भगवान भेजेंगे कि तुम्हारे पर मेरी कृपा हो गई है। सभी राजाओं के यहाँ भगवान नहीं गए लेकिन विदुर जी के यहाँ गए, और आप जानते हो साग विदुर घर का ही सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इस भाव का स्मरण करते हुए आप जो भगवान ने दिया है उसमें भगवान की सेवा करें और सपरिवार भगवान में लगते हुए संतुष्ट रहें। भगवान की कृपा आपको मिली है ऐसी अनुभूति रखो। जय सियाराम। महाराज श्री, अगला प्रश्न है हमारे पास अनुराग पांडे जी कीर्ति नगर नई दिल्ली से। जी पूज्य श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम कोई सत्कर्म या भागवत कार्य में गति करते हैं तो लोग हमें भटकाने की कोशिश करते हैं, उनका किस प्रकार सामना करें? देखिए, दो बातें एक साथ संभव नहीं है। अनुराग जी, यदि आप भगवान के भाव में, प्रेम में, भजन में, स्मरण में गति कर रहे हैं, कोई भटकाने का प्रयास कर रहा है, तो आप किसी का प्रतिकार न करें, विरोध न करें, आप अपना मार्ग बदलें। सामने से कोई उत्पात आ रहा है, हवा आ रही है, धुआं आ रहा है, आदमी पीछे भाग लेता है, दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। भक्त को और श्रेष्ठतम यात्रा करने वाले को कभी प्रतिकार में नहीं उलझना चाहिए, नहीं हम तो तुम्हें ठीक करके मानेंगे। कोई ठीक नहीं होना चाहता, अपने को आप ठीक करो। यदि घर के लोग ऐसा करते हैं तो आप अपने आचार विचार विहार व्यवहार में परिवर्तन करें, और यदि बाहर के लोग करते हैं तो आप उनसे बचें। एकमात्र उपाय है, किसी को ठीक मत करिए, किसी को उत्तर मत दीजिए, किसी के द्वारा रोकने पर उलझिए मत, कारण फिर आपका उतना समय उसमें व्यस्त हो जाएगा। जब आपको यात्रा करनी थी तो आप उत्तर देने में लग गए। भक्तराज प्रहलाद ने कोई उत्तर दिया क्या किसी को? ध्रुव ने माता सुरुचि को उत्तर दिया क्या? अपनी यात्रा में चले गए, देवर्षि नारद मिले और भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। इसलिए कराप उत्तर न दें, उलझन में न पड़े, अपनी यात्रा ऊर्ध्वगामी रखें। विरोध हमने भी बहुत देखा है जीवन में, कुछ नहीं होता, विरोधी पस्त होते हैं और आप स्वस्थ होकर के अग्रसर हो जाते हैं। इस पर आप प्रयास करें, अन्यथा विरोध कदाचित न करें। जय सियाराम। महाराज श्री, अगला प्रश्न हमारे पास कोलकाता पश्चिम बंगाल से है, शुभांगी चटर्जी जी। आजकल युवान भाई बहनों में लिव इन रिलेशनशिप का एक नया आकर्षण उत्पन्न हुआ है। पूज्य श्री, सनातन संस्कृति में ये कहाँ तक उचित है? पूज्य श्री, क्या बिना विवाह के रहा जा सकता है? अरे भाई सुभांगी जी, क्या उठपटांग प्रश्न कर दिया आपने, तो बड़ा मुश्किल है। ठाकुर जी, देखो भैया, ऐसा है, मैं तो ये लिव इन रिलेशनशिप जानता नहीं और मानता भी नहीं, मेरे संपर्क में लोग हैं भी नहीं ऐसे। रही बात बिना विवाह के रह जा सकता है, लोग रह ही रहे हैं, लोग रहते ही हैं। उसके दो ढंग है, एक तो जो भगवान के अनन्य हैं, विरक्त भाव में अवस्थित हैं, उनको संसार के किसी भी रस में कोई रुचि नहीं है, तो ऐसे विरक्त महापुरुष
अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए रह ही रहे हैं, जिसके चित्त में इतनी ऊर्ध्वगामी चेतना का अवतरण हो गया है वो रहे, अवश्य रहे, रहना ही चाहिए, क्योंकि गृहस्थी में आएंगे तो बहुत नाना विधि, ये करो वो करो, बहुत आपत्काल है। हाँ, भयवस यदि गृहस्थी से कोई डर रहा है तो उसके लिए श्रेयस्कर मार्ग नहीं है। व्यवहार ये कहता है, सदग्रंथ ये कहता है कि मानव का जन्म मिला है तो मनुष्य जीवन की पूर्णता के लिए गृहस्थ आश्रम अनिवार्य है। मैं यूं कहीं पढ़ रहा था कि कोर्ट ने संभवतः निर्णय दिया है कि स्त्री पुरुष चाहे तो बिना विवाह के भी साथ रह सकते हैं। माननीय कोर्ट महोदय को हम क्या कहें, भगवान कृपा करें। कदाचित उनके द्वारा संतति उत्पन्न हो गई तो किसकी मानी जाएगी, माता की कि पिता की कि दोनों की, नाम किसका दिया जाएगा? यह कदाप संभव नहीं है। भारतवर्ष में सनातन धर्म की वटवृक्ष के नीचे बिना गृहस्थाश्रम में प्रवेश किए कोई संतान उत्पन्न करे, यदि होता है तो उसकी वैधता नहीं होती है, समाज स्वीकार नहीं करता। वैधता तभी बनती है जब एक व्यवस्था दी गई है स्मृतियों ऋषियों के द्वारा, उसका हम आप सब पालन करते हैं। रहने को तो चाहे जो जिस वृत्ति में रहे कोई मना नहीं करेगा, यदि कुछ श्रृंखल बनना है तो भाई रह सको, लेकिन लोक मान्यता नहीं है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना चरणीयम ना करणीयम, कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं आप? हमारी संस्कृति स्वीकार नहीं करती है, हमारा समाज स्वीकार नहीं करता है। यहां तक कि जब कोई संतान को गोद लेता है तो वो व्यक्ति लाख चाहे कि हम न कहें लेकिन उसके मुंह से ही निकल जाता है, इनको मैंने, मेरे नहीं था, तुमने गोद ले लिया। अरे भाई जब तुमने अपना बना लिया तो उससे बाहर निकलो। जब तुम स्वयं नहीं निकल पा रहे हो श्रीमान जी महाराज, तो दूसरा कैसे निकलेगा? ये संभव नहीं है। स्वांगी जी, प्रश्न आपका श्रेष्ठतम है और उत्तर उससे भी श्रेष्ठतम यह है जो हमारी सनातन संस्कृति की मान्यता है, गृहस्थाश्रम परमार्थ यात्रा की प्रवेशिका है। जब तक मनुष्य विद्याध्ययन के बाद समावर्तन संस्कार के बाद गृहस्थाश्रम में विवाह संस्कार में प्रवेश नहीं पाता है, तब तक वो यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता है, परमार्थ सिद्ध करने का अधिकारी नहीं होता है। अब जब वो कोई सत्कर्म करने का अधिकारी नहीं रहेगा तो इस मानव जीवन का अर्थ क्या है? मानव जीवन कबहुं करी करुणा नर देही, कब करुणा करते हैं? फिरत सदा ये जीवात्मा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा तब कबहू करी। भगवान की दृष्टि पड़ जाती है उस जीव पर, कोई तो सत्कर्म किया इसने, लाभ इसको एक बार नर्तन देते हैं। कबहू करी करुणा नर देही देत कम ईश बिनु हेतु सनेही। अकारण प्रेम करने वाले हमारे अकारण करुणा करुणालय परम प्रभु श्री सीताराम जी जीव की किसी एक श्रेष्ठ कर्म का दर्शन कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसको नर्तन दे देते हैं। क्यों? जाएगा सत्कर्म करेगा, कुछ कर्म साधेगा, कुछ कर्म संचित करेगा प्रारब्ध के लिए, और फिर इसको और उत्तम कोटि प्राप्त होगी। यदि ये मान्यता है, यदि इस पर विश्वास है,
तो विवाह निश्चित ही करना चाहिए। गृहस्थाश्रम में रहने के बाद ही हम वानप्रस्थ की यात्रा कर सकते हैं, फिर संन्यास में प्रवेश कर सकते हैं, करना ही चाहिए। मनमुखिया जीवन नहीं जीते, मनमुखिया जीवन चल भी नहीं सकता है। और जो जी रहा है उसको भी साधुवाद है, भगवान उसका रक्षा करे, उसमें कौन कहने वाला है। लेकिन हम सदग्रंथों के उपासक हैं, हम धर्मगुरु तो नहीं है, लेकिन कथा में जो धर्म तत्व है उसके प्रसारक हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से शुभांगी जी उन सभी जीवात्माओं से प्रार्थना है कि जो परंपरा है उसका पालन करते हुए गृहस्थाश्रम में भयवश नहीं प्रेमवश प्रवेश करना चाहिए, ये जीवन का यथार्थ है। जय सिया। महर्षि, अगला प्रश्न हमारे पास है धीरज पाठक जी का। ये लिखते हैं, पन्ना से हूं, भक्ति करना कठिन क्यों है? जो कार्य आप नहीं करेंगे धीरज जी वो कठिन हो जाएगा। जो कार्य आप करेंगे, जैसे हम कथा नहीं करते थे, कथा करना बड़ा कठिन था, करने लगे तो सरल हो गया। भगवान का पूजन आप नहीं करते हैं तो आपके लिए कठिन है, आप करने लगेंगे सरल हो जाएगा। विद्यार्थी जिस विषय को नहीं पढ़ता है वो कठिन होता है, और जिस विषय को पढ़ने लगता है वो सरल हो जाता है। मार्ग है, आप नहीं चल रहे हैं तो कठिन है, आप चलने लगेंगे सरल हो जाएगा। भक्ति करना कठिन नहीं है, भक्ति क्या है इसको समझना कठिन है। पहली बात तो आप समझ लीजिए, भागवत जी कहती है श्रवणम, सुनना क्या कठिन है? कठिन कहां है? कीर्तनम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, क्या कठिन है? कीर्तनम विष्णो बैठे हैं, स्मरणम पाद सेवनम भगवान की सेवा करना, अर्चनम भगवान की पूजा करना, वंदनम भगवान को कुछ सुनाना, हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं, दास्यम मेरा जो कुछ भी है सब भगवान का है, आत्मनिवेदन, ये क्या कठिन है? मानना ही तो है। चूंकि हम धीरज जी भक्ति को जानते ही नहीं है, हम लष्टम पष्टम सब जानते हैं, मास्टर ऑफ वन होने की जगह हम चेक ऑफ ऑल हो गए हैं, मास्टर किसी के नहीं रहे, मास्टर ऑफ नन है। मुझे ये सोच करके बहुत ही घबराहट होती है, प्रथम भगति संतन कर संगा, चलो ये कठिन है, दूसरी गतिमा में कथा प्रसंगा, प्रभु के श्रीमुख वचन है, कथा में रथी रखना, कथा में जाकर बैठना, कथा भगवान को सुनना, ये क्या कठिन है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, गुरुदेव की सेवा चलो कठिन है, लेकिन चौथी भगति मम गुणगान कराई कपट तरीका, क्या कठिन है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, विश्वास पूर्वक भगवान के किसी मंत्र का जप करना, ये पांचवी भक्ति है। इंद्र निग्रहता कठिन है, समत्व क्या कठिन है, संतोष क्या कठिन है, जीवन में मन में हृदय में व्यवहार में सरल होना क्या कठिन है? कोई कठिन नहीं है। आप कर रहे होते आपका प्रश्न ही समाप्त हो जाता। भगवान की भक्ति, अरे जगत में भक्ति बड़ी सुखदानी, भगवान की भक्ति करना सबसे सरल काम है। तो जीव करता क्यों नहीं महाराज? इसलिए नहीं करता क्यों करना नहीं चाहता। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सज्जन धीरे धीरे, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सज्जन धीरे धीरे। क्या करें? करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, हरे मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे। जो काम हम ठान लेंगे इसको करना है वो भैया जी धीरे जी बहुत सरल है, नहीं करते हैं सो कठिन है।
इसलिए आप ठान लीजिए हमको कुंभ जाना है, तरतराज प्रयाग में स्नान करने जाना है, हमको माँ शारदा मैहर जाके प्रातः काल 4 बजे सीढ़ी चढ़ के और प्रथम दर्शन पाना है। क्या कठिन है? कोई कठिन नहीं है। नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स। कुछ भी संभव है, आपके अंदर करने की जिजीविषा चाहिए। जब प्रेम भूषण राम कथा गा सकता है तो कोई कुछ भी कर सकता है। जय सियाराम। महाराज श्री, अगला प्रश्न है हमारे पास इंद्राज प्रजापति मंडी बामोरा विदिशा एमपी से। पूज्य श्री, मेरा प्रश्न है कि रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने महाराज दशरथ जी को धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी लिखा है, तो इतना ज्ञानवान व्यक्तित्व शिकार क्यों करता है? वो राजधर्म है। श्रीमान जी, वो राजधर्म है। जैसे राजधर्म में राजा को आयुध का अभ्यास करना पड़ता है, आयुध का। अब जैसे हम आपको समझाएंगे सुनाएंगे कि भाई किसी की जीव की हत्या करना महापाप है, परंतु यही प्रवचन यदि हम मिलिट्री में जा करके कहने लगें तो कहना पड़ेगा कि राज रक्षा आपका प्रधान धर्म है। वहां ये उपदेश नहीं चलेगा कि आपके देश पर कोई आ जाए, आतताई उत्पाती आतंकवादी आप पर घात करेगा तो आप सरेंडर हो जा करके उसको साक्षात दंडवत करेंगे, क्योंकि उसमें आप हथियार चलाएंगे तो आपको पाप करना होगा। नहीं नहीं, राजधर्म जब आप पालन करते हैं श्रीमान जी, तो राजा को आयुध का अभ्यास करना पड़ता है, और बिना अभ्यास के आयुध चलता नहीं है। जो लोग बंदूक रखते हैं वो साल में 2-3 बार उससे 2-4-10 गोली बर्बाद करते हैं। वो बर्बाद नहीं करते, अभ्यास करते हैं। कहो जब आवश्यकता हो तो चले ही नहीं, उसकी सफाई करनी पड़ती है, उसमें एक ठाक करना पड़ता है। हाँ ठीक है, बढ़िया है, बैरल उसका ठीक चल रहा है। उसी प्रकार जब सेनानियों को युद्ध का अभ्यास कराया जाता है तो आप तो जानते हैं कि फायर रेंज बनाया जाता है, फिर वो धां धां धूं धां, ये क्या है? तो चक्रवर्ती जी महाराज धर्म धुरंधर के, अब तो देवराज इंद्र के मित्र थे, देवराज इंद्र अपनी गद्दी इनके भरोसे सुरक्षित मानता है। तो राजा को आयुध में अभ्यस्त होना चाहिए, इसलिए शिकार आवश्यक है, अनिवार्य है। वहां पंडिताई और कथावाचकी नहीं चलेगी, वहां तो अभ्यास में रहना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी उत्पाती राजा आकर के आपके राज्य पर आक्रमण करके आपका राज्य छीन ले जाएगा, इसलिए अनिवार्य है। जय श्री राम। महाराज श्री, अगला प्रश्न है प्रियव्रत सिंह ठाकुर। महाराज जी, सादर चरण स्पर्श। महाराज जी से निवेदन है कि देश में इस समय जो सरकार और किसानों के बीच संघर्ष चल रहा है, कृपया आप धर्म नीति से देश की सरकार को रास्ता निकालने का प्रयास करने की कृपा करें, जिससे देश के अन्नदाताओं का भला हो सके। सादर जय श्री राम। बंधुवर, राजा ने पीछे के वर्षों में क्या किया है, 5-7 वर्ष हो गए, शायद 7 वर्ष इस सरकार को हो गया। राजा के किसी भी एक निर्णय से प्रजा को संतोष और असंतोष में नहीं जाना चाहिए। राजा का पूर्ववर्ती क्या क्या निर्णय रहा है राष्ट्रहित में, इसका चिंतन करते हुए और राजा के किसी भी एक योजना का विरोध नहीं करना चाहिए। राजा से बैठकर संवाद स्थापित करना चाहिए, जिससे हित अनहित का पता चले। आज का जो ये आंदोलन चल रहा है, समाचार पत्रों में यहां देख रहा था प्रातःकाल हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय का मंचे उजाड़ फेंका है किसानों ने, ये विभत्साचरण है, ये उचित व्यवहार नहीं है। घर में भी कोई नाराज हो गया तो सारे शीशे तोड़ डाले, टेलीविजन फोड़ डाले, आर्थिक नुकसान कर डाले, बाद में कहे कि ये तो गलती हो गई, अब क्या बताएं हम। राजा से उलझने की जगह
राजा ने योजना प्रजा के हित में बनाई, अकारण तो बनाया नहीं, इससे नुकसान किसको हो रहा है? जो बीच के बिचौलिया लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं हानि दिख रही है अपने अपने प्रकार से, इसलिए इस बात का विरोध है, राजा की नीतियों का विरोध है। राजा की नीतियां क्या हैं पहले इस पर चर्चा हो। अब किसान कह रहे हैं कि जब तक सरकार इस विधेयक को वापस नहीं लेगी तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, ये अहित में लिया गया निर्णय है। क्या शौचालय निर्माण, स्वच्छता कल्याण मिशन, गैस वितरण, गैस चूल्हा वितरण, COVID-19 में लोगों के घरों में अन्न देना, मेडिकल में आयुष्मान योजना, सरकार की अनेक ऐसी योजनाएं जो प्रजा के हित में बनी, यदि 10 योजनाएं सरकार ने प्रजा के हित में बनाई है तो ये किसान का अहित करके सरकार को लाभ क्या मिलेगा? जबकि भारत हमारा 75% कृषि प्रधान देश है, नौकरी से भी नहीं चलता है तो कृषि से ही चलता है पूरा देश। मेरी समझ में बात नहीं आती है। आपने प्रश्न बहुत श्रेष्ठतम किया उचित अवसर देखकर कि राजा की विगत 10 योजनाएं यदि राष्ट्र के हित में हैं तो एक योजना किसानों के हित में कैसे बन गई? इस पर सबको बैठना चाहिए। माननीय कृषि मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी बार बार बैठने का आग्रह करते हैं। अब देखिए भाई, बैठने पर फैसला तो तभी होगा जब आप कहेंगे और दूसरे की भी सुनेंगे। दो लोगों का गांव में झगड़ा हुआ, एक आदमी पंच से कहा देखिए भाई आप फैसला चाहे जो कर दीजिएगा, पनारा मेरा वहीं बहेगा। तो पंच ने कहा कि भाई पंचायत किस बात की होनी है, जब तुम्हारा निर्णय स्पष्ट है कि पनारा वहीं बहेगा तो पंचायत की आवश्यकता क्या है? तो फैसला है कि तुम्हारा ये निर्णय मान्य होगा, पंच ऐसा नहीं करता। एक बार 5 लोग श्रीमान पीयूष गोयल जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रतिनिधि मंडल एक बैठे उनके साथ, भाई इस योजना से किसानों को क्या हानि हो रही है ये तो स्पष्ट होना चाहिए। नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, वापस लो, वापस लो। ऐसे भी बातचीत होती है क्या? बातचीत तो वो हो ना, सारगर्भित हो, निर्णय हो, राष्ट्र के हित में हो। यदि वर्तमान सरकार की कोई योजना राष्ट्र के अहित में गई हो तो इस योजना के बारे में वैसा ही चिंतन करना चाहिए। इतने वर्षों हो गए, 7 वर्षों की गवर्नमेंट में कहीं कोई घोटाला दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहीं कोई चोरी नहीं है, सड़कों का अंबार लगा हुआ है, न जाने किसान लोग क्यों उद्वेलित है। हम तो सोच करके भी घबराते हैं, अरे भाई प्रजा नुकसान कर दे, कोई बस फूंक दे, कोई गाड़ी फूंक दे, कम से कम सुनो तो। ये तो घर में छोटे बच्चे की नाराजगी जैसा व्यवहार है। छोटा बच्चा नाराज होता है, पटक पटक के सिर खुदे फोड़ लेता है, डॉक्टर के जाके भर्ती हो जाता है। ये कोई तरीका है क्या? ये ढंग है क्या? आप विचार करो, नाराज भी वो हुआ जाता है कि किसी कोई आपको समझा सके। आप अपनी कहो, उनकी सुनो। देश के कृषि मंत्री, उद्योग मंत्री वार्ता करना चाहते हैं, आप अपनी बात रखो, उनकी बात सुनो और एक राष्ट्र हित में समाधान उपस्थित होना चाहिए। सारा नुकसान हरियाणा पंजाब में ही हो रहा है क्या? और किसी प्रदेश में नुकसान क्यों नहीं हो रहा? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा? बिहार के किसानों का नुकसान क्यों नहीं हो रहा? सारी योजनाएं जो है वो विखंडन की हुई दोनों प्रांत में लगी है। इसका परिणाम राष्ट्र हित में तो छोड़िए, प्रदेश के हित में भी अच्छा नहीं है। और जो विरोध राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ को ध्यान में कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये वो अपने हितैषी नहीं है, वो अपने स्वयं के भी शत्रु हैं। सरकार की किसी भी योजना का, चाहे मेरे बारे में योजना हो जाए, हमको ध्यान से सुनना चाहिए, पालन योग्य है तो उसका पालन करना चाहिए, नहीं तो सरकार से हाथ जोड़कर वंदन करना चाहिए। राजा से कभी उत्पात का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा सर्वोपरि होता है। राजा एक योजना बंद करेगा, 50 योजना ऐसी लागू कर देगा कि फिर किसान घबराएंगे। ये दूसरे के हाथ में सिखाई बुद्धि ढाई करी रहती है श्रीमान जी, इसलिए कदापि नहीं। राजा की बात सुनी जाए, राजा हमारे हित में कर रहा है तो ठीक है, अहित में कर रहे हैं तो राजा अपनी योजनाओं को वापस लेने में सक्षम है,
नहीं, यदि उत्पात ऐसे ही चलता रहा तो राजा का क्रोध वो कोई समन नहीं कर सकता है। राजा ने यदि ठान लिया तो किसी स्तर पर व्यवहार कर सकता है। इसलिए सावधान होकर राष्ट्र हित में सभी कृषक भाइयों से मेरी प्रार्थना है, अन्यथा नेतागिरी में नेतागिरी चमकाने का प्रयास नेता लोग न करें। सब राष्ट्र हित में, गौ हित में, विश्व के क्षितिज पर ये आंदोलन को शांत रखते हुए और राजा से अपनी बात कही जाए, पिता से अपनी बात कही जाए, यही व्यवहार है। यही राष्ट्र हित में भी है, आपके हमारे हित में भी है और सबके हित में भी है। जय सिया। रसी, यह प्रश्न हमारे पास आया है। नहीं है, जब मैं 13 से 20 तक अयोध्या जी में रहूं तो श्री राम वल्लभ कुंज हमारे आश्रम आप पधारे, 9 दिन पहले कथा श्रवण करें, फिर राम जन्मोत्सव के दिन। ये सब एकांतिक चर्चाएं हैं। किसी माँ ने प्रश्न किया था 10 महाविद्याओं पर आप कहिए, ये सब प्रवचन के विषय नहीं है। दर्शन कैसे हो, मन की खटपट मिटे तो दर्शन हो, तो उसके लिए आप बैठिए, समझिए। हम योग्य महापुरुष के चरणों में आपको भेजेंगे, उसकी भी विधा है। भगवान और भक्त के अंतस संबंधों के बारे में चर्चा, उसका नाम है औपनिषदीय चर्चा। वो फेसबुक और यूट्यूब की चर्चा नहीं है। आप आइए, आपका स्वागत है, कहीं निवास ले लीजिएगा और रहिएगा आश्रम पर, हम आपसे समाधान करेंगे। प्रातःकाल 4 बजे बैठेंगे, उसी में समाधान होगा। जय सियाराम। और दो साधुवाद आज इतना ही, कल हम लोग पुनः मिलते हैं 4:10 पर। तब तक के लिए सबों को मेरा प्रेम, चलते चलाते हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे, मेरे नयनों के तारे हैं, मेरे नयनों के तारे हैं, सब भगतन के रखवारे हैं, सब भगतन के रखवारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे। जय रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कविकुल चूड़ामणि प्रातस्मणि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री राम चरितमानस भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सागर, जय सियाराम।